जय श्री राम, जय श्री राम। बालंगिरा अधिष्ठात्री देवी मां पाटनेश्वरी नगो मोर कोटि कोटि जोहार। मां समलेश्वरी, मां सुरेश्वरी और मां लंकेश्वरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी विशाल संख्या में यहां आप आए हैं, विशेष रूप से माताएं बहनें आई हैं, ये देख करके और जहां जहां मैं उड़ीसा में गया हूं, मैं साफ कह सकता हूं कि उड़ीसा में बीजेडी सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा उड़ीसा एक सुर में कह रहा है, उड़ीसा रे प्रथम तर है डबल इंजन सरकार। उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार। भाइयों और बहनों, आप मुझे एक बात बताइए, ये उड़ीसा मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद उड़ीसा का जन्म हुआ क्या? मेरा सवाल समझे आप, ये मोदी का बाद उड़ीसा आया क्या? पहले था कि नहीं है? हजारों साल से था कि नहीं? ओडिया भूमि, ओडिया संस्कृति हजारों साल पुरानी है कि नहीं है? लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ यहां की गरीबी की तस्वीरें ही दुनिया को दिखाई, बीजेडी वालों ने भी न तो गरीबी दूर करने के लिए कुछ किया और न ही कांग्रेस के प्रयासों को रोकने की हिम्मत दिखाई। लेकिन साथियों, भगवान जगन्नाथ का ये बेटा, आपका ये बेटा ओडिशा की गौरवमयी धरोहर को, मां भारती का सर्वश्रेष्ठ आभूषण मानता है। साल 2022 में हमने बलांगीर के ही नरसिंह प्रसाद गुरी जी को पद्म सम्मान दिया। आप देखिए, इस वर्ष भी चार ओडिया कलाकार, विनोद कुमार पसायत जी, भागवत प्रधान जी, गोपीनाथ जी स्वयं जी और विनोद महाराणा जी, इनको पद्म पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ओडिया कला संस्कृति की सेवा की है। जब दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता आए,
तो मैंने वहां कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र के सामने खड़े रहकर उनकी तस्वीर खिंचवाई और आज दुनिया के ये बड़े बड़े नेताओं के घर में ये कोणार्क के सूर्य चक्र वाली तस्वीर है, पूरी दुनिया में है। ये हमारी सरकार है जिसने ओडिया वीरता के प्रतीक पाइका संग्राम के मेमोरियल को स्वीकृति दी। हमारी सरकार ने पाइका संग्राम के सम्मान में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया और सबसे बड़ी बात ये भाजपा की सरकार है जिसने पहली बार एक आदिवासी बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाया। आज ओडिशा की बेटी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र का गौरव है। आज ओडिशा की बेटी राष्ट्र को दिशा दे रही है। ये उड़ीसा का गौरव हमारे लिए है। मुझे बताइए, जब उड़ीसा की बेटी इतने ऊंचे पद पर पहुंची तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं गर्व होता है? उड़ीसा का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? माताओं बहनों का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आदिवासी समाज का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ये किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया भाई? किसने किया? अरे आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने कर दिया है। आपने वोट देकर के मोदी को बिठाया, इसके कारण उड़ीसा का गौरव पूरी दुनिया में हो रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मोदी तो निमित्त है। देश की हर मां बहन बेटी को इसका गर्व है। भाई और बहनों, ओडिशा के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। वो कभी अन्याय के सामने झुकते नहीं हैं। जब भी मैं उड़ीसा के बारे में सोचता हूं, मुझे जयी राजगुरु, बक्सी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साई ऐसे महापुरुषों का स्मरण होता है। मैं चंद्रशेखर बेहरा और उत्कल मणि गोपाल बंधु दास ऐसे महान व्यक्तियों को याद करता हूं। मैं शहीद बाजी राउत और उनके साथियों को याद करता हूं। मैं डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और बीजी बाबू को याद करता हूं। मैं उस भूमि के सपूत महाराजा राजेंद्र नारायण सिंह देव जी को भी स्मरण करता हूं। इन सभी ने कभी उड़ीसा के सिद्धांतों और इसकी अस्मिता से समझौता नहीं किया। आज ये लोग उड़ीसा की स्थिति देख करके क्या सोचते होंगे, उनके आत्मा पर कितनी बीतती होगी, कितने दुखी होती होगी उनकी आत्मा। आज उड़िया संस्कृति संकटों में घिरी हुई है। उड़िया अस्मिता कैसे बचेगी? हम उड़िया अस्मिता को किसी के यहां गिरवी नहीं रख सकते हैं। दोस्तों,
और इसलिए बीजेपी ने ठान लिया है कि वो उड़ीसा को इन संकटों से निकाल करके ही रहेगी। और भाइयों बहनों, आपको डायरी रखते हैं तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए 4 जून ये बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आपको अभी से निमंत्रण देता हूं, आप लिख के रखिए, ये मोदी आपको निमंत्रण देने आया है, 10 जून को आपको भुवनेश्वर आना है। क्यों 10 जून को भुवनेश्वर क्यों आना है, क्यों आना है? 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है और ये भी लिख रखिए, भुवनेश्वर में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और वो बनेगा जो उड़िया भूमि में जन्मा है, जो यहां की संस्कृति को जीता है, जो भगवान जगन्नाथ के चरणों में बड़ा हुआ है, वो ही। और एहा हे उसी मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, ये उड़ीसा राज्य अमीर राज्य है, हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्यों में एक नाम उड़ीसा का है, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा गरीबों का अगर कहीं रहना होता है तो उड़ीसा में होता है। यहां की जनता गरीबी से जूझ रही है, इतना धनवान प्रदेश लोग गरीब क्यों है? 50 साल आपके बर्बाद हो चुके, 50 साल। अब उड़ीसा को बचाना है कि नहीं बचाना है? उड़ीसा की अस्मिता बचानी है कि नहीं बचानी है? उड़ीसा के बच्चों का भविष्य बचाना है कि नहीं बचाना है? और इसलिए मैं आज उड़ीसा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे पूरी ताकत से बताइए, ये हमारे उड़ीसा की ये बर्बादी हुई, इतनी संपदा, प्राकृतिक संपदा का भव्य खजाना है यहां, लेकिन यहां बर्बादी ही बर्बादी है। इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? अब उनको विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और अब तो आपके इलाके में मुख्यमंत्री आए चुनाव लड़ने के लिए, जरा गाजे बाजे के साथ विदाई कर दो भाई। अच्छा एक काम करना, अगर यहां आपके मुख्यमंत्री जो यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं ना, और हमारे यादव जी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, शेर लड़ रहा है शेर, एक काम करना भाई, जब नवीन बाबू अगर गलती से भी यहां चुनाव प्रचार के लिए आ जाए और अगर आपके नसीब में उनको मिलना हो जाए, क्योंकि वो किसी को मिलते नहीं है,
लेकिन अगर आपका मिलना हो जाए तो उनको पूछिए कि आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कांतबाजी ने कंताबाजी ये कंताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक प्रश्न पूछोगे मेरी तरफ से? पूछोगे नहीं? पूछोगे भाई, 25 साल तक नहीं पूछा आपने, इसलिए आपकी ये हालत हुई है। उनको एक सवाल पूछना कि आप कांताबाजी से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के बिना कागज लिए, हाथ में कागज नहीं रखना है, बिना कागज लिए 10 गांवों के नाम बोल दीजिए, बस इतना पूछ लीजिए। वे 10 गांवों के नाम नहीं बता पाएंगे जी। इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल रहे हैं। आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए हैं, वो आपसे कटे हुए हैं,